नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुसार अगर आप भोजन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ और सुखी रहेंगे। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए कई तरह के नियम बताए गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भोजन करने का नियम। अधिकांश लोग भोजन करने के नियम को सही नहीं मानते, जिसे जहां जगह मिलती है वहां भोजन करने बैठ जाते हैं, जबकि शास्त्रों में भोजन करने के समय, दिशा, स्थान जैसी अनेक बातों के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भोजन करने का सही तरीका बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रीय मान्यताओं में भोजन की सात्विकता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होनी चाहिए। यदि यह तीनों शुद्ध हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी कि व्यक्ति लंबी आयु जीता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है। दोस्तों, भोजन बनाने वाले के लिए नियम है कि भोजन बनाने वाले को स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना शुरू करना चाहिए। भोजन बनाने वाले का मन भी पवित्र हो, अर्थात वह अच्छी भावना से भोजन बनाए। भोजन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले 3 रोटियां बनानी होगी। अग्नि देव को समर्पित करने के लिए ये 3 रोटियां अलग निकाल लेनी चाहिए। इसके बाद 1 रोटी गाय को और 1 रोटी कुत्ते को और 1 रोटी कौवे को भी अलग से आपको डालनी होगी। भोजन करने से पूर्व अपने शरीर के 5 अंगों को भी आपको स्वच्छ रखना होगा। भोजन करने से पूर्व अपने शरीर के इन अंगों की आपको देखभाल यानी कि साफ सफाई अवश्य करनी होगी। वे हैं दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह। इन 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करने बैठना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना और उसे धन्यवाद कहना भी बेहद लाजमी है, क्योंकि उन्होंने हमें भोजन करने का सुख प्रदान किया है। साथ ही प्रार्थना की जाए कि संसार के समस्त भूखों को भोजन प्राप्त हो। खाना तो रसोई घर में ही बनता है, लेकिन भोजन को ग्रहण भी रसोई घर में ही करना चाहिए। दोस्तों, पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। पूरे परिवार को साथ मिल बैठकर भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों के अंदर प्रेम और एकता बढ़ती है। अगर आप अलग अलग भोजन करोगे तो आपके अंदर प्यार नहीं बढ़ेगा और प्रेम भी अलग अलग हो जाएगा। दोस्तों, प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति सिर्फ 1 समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहलाता है। दोस्तों, भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करें, क्योंकि ये दिशाएं हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक शुद्ध मानी जाती हैं, और इन दिशाओं में यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा में अगर आप मुंह करके भोजन करते हैं तो आपका भोजन अच्छे से पचता है और आपको कोई रोग भी नहीं लगता।
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना रोग को वृद्धि देता है। इसलिए आप दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन ना करें। दोस्तों, भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किन्हीं कारणों से बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को खुशी से और पूरा चबा चबा कर ही खाएं। भोजन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे रोगों में वृद्धि होती है और आपका भाग्य भी प्रभावित होता है। इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों, ज्यादा पुराना भोजन यानी कि 3 पहर यानी कि 9 घंटे से अधिक पुराना भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 पहर से अधिक बासी भोजन मनुष्य के लिए त्यागज्य है, यानी कि ये रोगों को वृद्धि देता है। ऐसे खाने को पशुओं को दे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना और सोच आदि भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद दोस्तों, आप टहल सकते हैं, जिससे भोजन आसानी से पचता है। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वर्जासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक हमने आपको भोजन करने का सही तरीका बताया है। आप इस तरीके को अपनाकर अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने भोजन को अच्छे से ग्रहण करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और हिंदू धर्म शास्त्रों की बात भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से किया गया भोजन आपको स्वस्थ रखेगा और आपको लंबी उम्र जीने में मदद भी करेगा और आप कई तरीके की बीमारियों से भी निजात पालोगे और हमेशा स्वस्थ और फिट रहोगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर वास्तु शास्त्र से संबंधित ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें। हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।